Now moving to the next question. This is question number 15 of set number 1, question 19 of set 2 and question number 17 of set number 3. The question says, point P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, minus 8 such that AP upon AB equals to 1 upon 3. If P lies on the line this, find the value of K. So, आपको यहाँ K की value find करनी है. तो question में पहले देखते हैं static में क्या given है कि एक हमारे पास एक line है जिसको P point divide कर रहा है कहीं से, ठीक है, और हमें ratio दे रखा है AP और AB का. अब ये जो line है ये है line AB, ठीक है, दोनों के हमें coordinates given है. P point इस पे कहीं lie करता है, उसके बारे में हमें given क्या है कि जैसे AP equals to हो गए, AB को उधर भेजोगे तो AB का 1/3 मान लो आप, ठीक है. सो इस तरह से हमें AP गिवन है. मान लो कहीं पे भी हम ले लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया, ठीक है. अब अगर आपको ये जो पॉइंट P है ना, ये किस पे लाई करते हैं, एक लाइन दे रखे. यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन का हमें 2x माइनस वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो ये गिवन है. अब आपको फाइंड ये करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें अगर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसे सिंपली देखें कि ए बी एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए. सो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको रेशियो चाहिए. अब यहाँ पे जो रेशियो गिवन है वो एपी और एबी का गिवन है. हमें रेशियो क्या चाहिए, एपी और पीबी का, करेक्ट, ये रेशियो चाहिए हमें, तभी हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, पहले तो चलो हमें जो निकालना है लिख लेते हैं. हमें फाइंड करना है एपी अपॉन क्या है हमारे पास, पीबी, ठीक है ना. एपी और पीबी इसका रेशियो हमें चाहिए ताकि हम इस रेशियो की हेल्प से सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे. सो यहाँ पे अब एपी जो है, एपी को आई कैन राइट इट एज एपी का एबी अपॉन थ्री, इस तरह से लिख सकती हूँ. और पीबी की अगर हम बात करें तो पीबी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरे में से मतलब एबी में से अगर मैं माइनस कर दूं एपी को, अगर हम एबी में से एपी को माइनस कर दे तो पीबी निकल जाएगा. भाई ये पूरे हमारे पास लाइन है, इसमें से इतना पार्ट हटा दोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है. सो अगेन एबी हो जाएगा हमारा माइनस एपी, क्या है एबी अपॉन थ्री. सो ये हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, थ्री थ्री ए बी माइनस ए बी, सो ये आ जाएगा थ्री माइनस वन इज टू ए बी अपॉन थ्री, ठीक है. सो ये हमारे पास पीबी आ गया. अब यहाँ पे पीबी चाहिए, सो वो हो गया टू ए बी अपॉन थ्री. अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे कैसे करते हैं, ए बी अपॉन थ्री ले लो और ये बोलेगा रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल करेंगे तो थ्री अपॉन टू ए बी हो जाएगा, है ना. ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास वन अपॉन टू. तो मतलब ए पी अपॉन पी बी हमारे पास आ गया वन अपॉन टू, या हम बोल सकते हैं वन रेशियो टू, वन इज टू टू आ गया. अब आपके पास यहाँ पे रेशियो आ गया कि वन इज टू टू है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो ये हमारा हो जाएगा एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. सिमिलरली एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है. अब हमें इसकी वैल्यूज चाहिए एम और एन. एम तो हमारा हो गया, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, एम इक्वल्स टू हो गया वन एंड एन इक्वल्स टू हो गया टू, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया वन इज टू टू रेशियो में कट कर रहे. अब बात करते हैं एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कौन सी लाइन की बात हो रही है, ए बी की. ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन. सो एक्स वन वाई वन हो गया टू और वन, और इसी तरह से एक्स टू वाई टू मीन्स एक्स टू हो गया फाइव एंड वाई टू हो गया माइनस एट, ठीक है. वैल्यूज आ गई, इस फॉर्मूले में पुट कर दो. एम है हमारा वन इंटू एक्स टू क्या है
x2 is 5 plus n is 2, x1 is, x1 अभी हमने लिखा था 2 अगेन अपॉन में 1 प्लस 2, m प्लस n हो गया. इसी तरह से y वाला m 1 है, y2 is minus 8 plus n हमारा 2 है, y1 is 1, then 1 plus 2 अगेन. So further solve करते हैं, 5 into 1, 5 plus 2 into 2 is 4 upon 3 and यहां से हो जाएगा minus 8 plus 2 ones are 2 upon 3 again. So ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, so 9 upon 3 and यहां से आ जाएगा plus minus, minus. बड़े वाले के साथ minus का sign है तो minus रहेगा, minus 6 upon 3. Cancel हो सकते हैं, 3, 3 जा 9 होता है and 3 2 is 6 होता है, तो ये minus 2 आ गया. So ये coordinates हमारे पास किसके आए, P point आ गया हमारे पास 3 और minus 2. अब हमें क्या करना है, ये तो हमने इसकी coordinates निकाली है, find क्या करना है हमें, K की value. अब अगर आपके पास यहाँ पे P की coordinates है और ये P point इस line पे lie करता है, so therefore ये जो coordinates है x और y, ये इसकी values हो जाएंगे. यहाँ पे put करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो फॉर दैट आई हैव टू रैप दिस पार्ट. अगर आप उसको नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो. सो नाउ हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2x - y + k = 0. अब x और y की वैल्यूज मिल गई हमें, सो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू 3 minus y हमारा है -2 + k = 0. तो ये हो गया 3 2 6 minus minus plus. C हो जाएगा 2 plus k equals to 0, 6 plus 2, 8 plus k equals to 0, k की वैल्यू आ गई minus 8. और यहाँ पे हमें k ही निकाला था, तो k हमारा आ गया minus 8. Okay? So this was question number 15 of set number 1. अब इसके साथ हमारे पास choice में एक question भी है, so let's move to that question. So now ये question हमारे पास choice में है, the question says, for what value of P are the points 2, 1, P minus 1 and minus 1, 3 collinears? So, हमें यहाँ पे तीन points दे रखे हैं और given है कि तीनों points collinear है. So, that means कि इनका जो area of triangle होगा वो 0 होगा. So, सबसे पहले यहाँ पे हम area of triangle का formula लिख लेते हैं. So, area of triangle equal होता है 1 upon 3, then x1, y2 minus y3, plus x2, y3 minus y1, plus x3, y1 minus y1. Okay? So, यहाँ पे अब हमारे हमने यहाँ पे formula लिख लिया, values चाहिए हमें. So, values लिख लेते हैं, x1 हो जाएगा 2, y1, 1. Then, x2 equals to p and y2 equals to minus 1. Similarly, x3 हमारा हो जाएगा minus 1. और y3 हो जाएगा 3. Okay? So, values put कर लेते हैं. So, we have x1. x1 is 2. y2 minus y3. y2 है minus 1. Minus y3. y3 is 3. Plus x2. x2 है हमारे पास p. Then y3 again 3 है. Minus y1 is 1. Then plus x3 हमारे पास है minus 1. अब देखो यहाँ पे दोनों साइन एक साथ है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. Then y1 is 1 minus y2 is minus 1. ठीक है? So now ये हो गया 1 upon 3, ये हो गया 2, ये हो गया minus minus plus 3 plus 1 is 4 minus का plus ये हो जाएगा p and 3 minus 1 is 2. Okay? Then अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो minus 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इज 2. ओके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 2 इज 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इनटू p इज 2p माइनस 2. ओके, देन आगे ले चलते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3. अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं. सो माइनस एट माइनस टू माइनस माइनस प्लस एट प्लस टू इज टेन, लेकिन माइनस का बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, प्लस टू पी एंड ये पूरा हमें पता है जीरो की इक्वल है. तो ये वन अपॉन थ्री जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर भेजोगे वो पूरा जीरो हो जाएगा.
यहाँ पे बचेगा माइनस टेन प्लस टू पी इक्वल्स टू जीरो. सो ये हो गया टू पी इक्वल्स टू टेन को उधर भेज दो, माइनस टेन इधर आके प्लस टेन हो गया. सो पी इक्वल्स टू टेन अपॉन टू. सो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई फाइव. ठीक है, पी इक्वल्स टू फाइव आ गया. क्वेश्चन में हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेट नंबर 1, क्वेश्चन 19 ऑफ सेट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सेट नंबर 3. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.